हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ क्लच का यूज़, कौन से सिचुएशन में कैसे आप क्लच को कंट्रोल करेंगे, कौन से सिचुएशन में हमें कैसे क्लच का यूज़ करते हुए गाड़ी को चलाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें आज हम जानेंगे। बहुत सारे लोगों के मन में क्लच को लेकर बहुत सारे डाउट्स हैं जो कि आज क्लियर होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, बेसिकली फोर सिचुएशन है जहाँ पे हमें क्लच का यूज़ करना पड़ता है, क्लच को कंट्रोल करना पड़ता है। तो पहला सिचुएशन है जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, रुकी हुई गाड़ी को जब हम आगे लेके जाते हैं स्टार्ट करके, तब हमें पहले क्लच प्रेस करना पड़ता है। और नंबर टू सिचुएशन है जब हम गियर शिफ्ट करते हैं, तब हमें क्लच प्रेस करना पड़ता है। नंबर थ्री सिचुएशन जब हम बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चल रहे हैं, हैवी ट्रैफिक में चल रहे हैं और हमें रुक रुक के चलना पड़ता है, तब हमें क्लच का यूज़ ज़्यादा करना पड़ता है। और फोर्थ सिचुएशन जब हम ब्रेक लगाते हैं, क्लच और ब्रेक दोनों दबा के जब गाड़ी को हम रोकते हैं, तब हमें क्लच का यूज़ करना पड़ता है। तो चलिए इन चारों पॉइंट को डिटेल्स में अब देखते हैं कि कैसे कब किस तरीके से क्लच को कंट्रोल करना पड़ता है इन सारे सिचुएशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि बेयर फुट में दिखाइए आप करके, बेयर फुट में ही ड्राइविंग करके दिखाइए। तो आज का वीडियो जो है वो बेयर फुट में ही मैं दिखाने वाली हूँ। तो गाइस, पहला जो सिचुएशन है जब हम गाड़ी को पहली बार स्टार्ट करते हैं, मतलब रुकी हुई गाड़ी को जब हम स्टार्ट करके आगे लेके जाते हैं, तब हमें क्लच प्रेस करना पड़ता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है कि जब वो गाड़ी स्टार्ट करते हैं तब गाड़ी बंद हो जाती है या फिर तेज़ी से झटके के साथ आगे चली जाती है गाड़ी। तो ये दो प्रॉब्लम ज़्यादातर फेस करना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े इसलिए आपको पता होना चाहिए कि क्लच को उस वक्त आप कैसे कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए गाइस, सबसे पहले क्या करना पड़ता है आपको, आपको फुल क्लच प्रेस करना पड़ता है, क्लच को पूरा अंधे की तरफ प्रेस कर देना है आपको, ठीक है। उसके बाद गियर पे लगाना है, फर्स्ट गियर पे लगाना है, गाड़ी रुकी हुई है तो आपको फर्स्ट गियर पे लगाना पड़ेगा पहले, ठीक है। उसके बाद जो है क्लच को धीरे धीरे रिलीज करना पड़ेगा और हाफ क्लच तक लाना पड़ेगा, हाफ क्लच मतलब बाइटिंग पॉइंट तक लाना पड़ेगा। बाइटिंग पॉइंट क्या है उसके ऊपर मैंने वीडियो बना के रखा है, मैं लिंक आई बटन पे दे दूंगी, आप वो जाके देखेंगे तो आपका जो आइडिया है वो क्लियर होगा हाफ क्लच के ऊपर। तो बाइटिंग पॉइंट पे जब आपका फुट प्रेशर आएगा तब गाड़ी आपकी हल्की हल्की आगे की तरफ मूव होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तब उस फुट प्रेशर को, अपना फुट प्रेशर को आपको उस पॉइंट पे ही बना के रखना है और साथ ही साथ आपको एक्सीलेटर प्रेस करना है धीरे से, तो आपकी गाड़ी क्या होगी, स्मूथली आगे की तरफ बढ़नी शुरू हो जाएगी। लेकिन तुरंत तभी आपको क्लच नहीं छोड़ देना है, अगर आप तुरंत तभी क्लच छोड़ देंगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी जर्क लेके, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं करना है, ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि क्लच वो तुरंत छोड़ देते हैं, एक्सीलेटर पे पैर डाल के ही तुरंत क्लच को छोड़ देते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना है। क्लच को तभी भी दबा के रखना है, हाफ क्लच तक दबा के रखना है और एक्सीलेटर को प्रेस करना है। और उसके बाद जब गाड़ी आपकी स्मूथली आगे की तरफ रन होनी शुरू हो जाएगी, एक स्टेबल कंडीशन में आ जाएगी, तब आपको क्लच को धीरे धीरे छोड़ देना है, धीरे धीरे छोड़ना है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ऐसे सिचुएशन में, मतलब सिचुएशन नंबर वन में जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो हमें क्लच को ऐसे कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक है। ऐसे आप करेंगे तो गाड़ी बंद नहीं होगी और फिर तेज़ी के साथ आगे भी नहीं बढ़ेगी। तो ये आपको प्रैक्टिस करना है और ऐसे ही करना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने फुल क्लच प्रेस करके फर्स्ट गियर में डाला गाड़ी को और हैंड ब्रेक ऑफ कर दिया है। अभी धीरे धीरे क्लच को रिलीज़ करूँगी, बाइटिंग पॉइंट पर लाऊँगी और धीरे से एक्सीलेटर, और गाड़ी स्टेबल कंडीशन में आ गई है तो मैं धीरे धीरे क्लच को ऐसे उठा लूँगी। और यहाँ पे मैं गाड़ी को रोक दूँगी और इसके लिए मैं क्लच और ब्रेक प्रेस करूँगी। तो गाइस, सिचुएशन नंबर टू है जब हम गियर शिफ्ट करते हैं तब हमें क्लच प्रेस करना पड़ता है, हमें फुल क्लच प्रेस करना पड़ता है पहले, उसके बाद ही गियर शिफ्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा कि क्लच जब भी आप गियर चेंज कर रहे हैं आपको क्लच फुल प्रेस करना है, एक्सेलेटर से पैर हटा लेना है और गियर को शिफ्ट कर लेना है, ठीक है। तो गाइज, जैसे कि अगर आप गियर शिफ्ट करना चाहते हैं तो पहले फुल क्लच प्रेस करना पड़ेगा, ऐसे पूरा फुल क्लच आपको प्रेस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लच आपने अच्छी तरीके से प्रेस नहीं किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लच पूरा आपको अंदर की तरफ प्रेस कर देना है, उसके बाद गियर शिफ्ट करना है। जैसे कि मेरी गाड़ी अभी न्यूट्रल पे है तो मैं अगर फर्स्ट गियर में डालूंगी, मैंने क्लच प्रेस कर दिया है, एक्सेलेटर से पैर हटा लिया है, तो अभी फर्स्ट गियर, ठीक है। फिर ऐसे धीरे धीरे उठा लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर से अगर सेकंड गियर में डालेंगे तो फिर से फुल क्लच सेकेंड गियर, ठीक है। उसके बाद फिर से धीरे धीरे रिलीज करना है, गाड़ी को आगे लेके जाएंगे तो क्लच को धीरे धीरे रिलीज करना पड़ेगा आपको। उसके बाद फिर से फुल क्लच, ठीक है, फिर से थर्ड गियर में डाल दिया आपने, उसके बाद धीरे धीरे फिर से क्लच को रिलीज करना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे आपको
क्लच प्रेस करके हर बार गियर शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस थर्ड सिचुएशन है बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में क्लच का यूज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि हैवी ट्रैफिक में क्लच का यूज हमें सबसे ज्यादा करना पड़ता है। गाइस जो न्यू ड्राइवर होते हैं उनको ऐसे सिचुएशन फेस करने में ज्यादा दिक्कतें आती है, क्योंकि वहाँ पे क्लच का यूज प्रॉपरली वो नहीं कर पाते। तो गाइस जब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है, हैवी ट्रैफिक होता है और वो ट्रैफिक रुक रुक के चलती है, तब हमें क्लच ज्यादा प्रेस करके रखना पड़ता है। क्योंकि सपोज मान लीजिए आपके सामने गाड़ियां है जो कि रुक रुक के चल रही है, तब हमें क्या करना पड़ता है, हम गाड़ी को फर्स्ट गियर में डालते हैं और फुल क्लच, जैसे कि अगर मुझे अभी रोकने की जरूरत पड़ी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, मेरे सामने जो गाड़ी है वो रुक गई तो मुझे भी रोकना पड़ेगा, तो मैं क्या करती हूँ, फुल क्लच और ब्रेक प्रेस करके हम रुके रहते हैं, ठीक है। उसके बाद जब गाड़ी फिर से आगे बढ़ती है तब हम क्या करते हैं, क्लच को धीरे धीरे रिलीज करते हैं और बाइटिंग पॉइंट पे लाते हैं। बाइटिंग पॉइंट पे जब हम होते हैं तब गाड़ी क्या होती है, अपने आप आगे की तरफ मूव होती है, हमें एक्सेलरेटर प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, हाफ क्लच में ही गाड़ी थोड़ी आगे चली जाती है। क्योंकि गाइस बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में हम ज़्यादा स्पीड में नहीं चल सकते, हमें फर्स्ट गियर के मिनिमम लोअर स्पीड जो है उसमें चलाना पड़ता है, कभी कभी उसमें भी कवर नहीं होता, हमें उसे नीचे चले जाना पड़ता है, तो उस वक्त हम हाफ क्लच पर प्रेस करके ही गाड़ी को आगे लेके जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्लच आप छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि क्लच आप छोड़ेंगे तो गाड़ी आपकी बंद हो जाएगी। आपको क्या करना पड़ता है, जब आगे जाना पड़ेगा तो आपको धीरे धीरे क्लच रिलीज करना पड़ेगा, हाफ क्लच तक लाना पड़ेगा, तो गाड़ी आपकी धीरे से आगे की तरफ मूव होगी। उसके बाद अगर फिर से आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा तो फुल क्लच फिर ब्रेक ऐसे लगाना पड़ेगा, उसके बाद फिर से गाड़ी अगर जाएगी तो फिर से क्लच रिलीज करना पड़ेगा, हाफ क्लच करेंगे तो गाड़ी आगे की तरफ थोड़ी मूव हो जाएगी, उसके बाद फिर से रोकना पड़ेगा तो फिर से क्लच फुल क्लच और ब्रेक, ऐसे ऐसे करके हमें जाना पड़ता है हेवी ट्रैफिक में, ठीक है। और अगर कहीं पे स्लोप हो गया तो आपको हाफ क्लच के साथ थोड़ा एक्सीलेटर भी देना पड़ेगा, जैसे कि आप किसी ऐसे रोड पे हेवी ट्रैफिक पे जा रहे हैं, ऐसा रोड ऐसा है कि स्लोप है, तो वहाँ पे आपको हाफ क्लच और एक्सीलेटर भी देना पड़ेगा। लेकिन अगर प्लेन रोड है, स्लोप नहीं है, तो एक्सीलेटर देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे कि सिर्फ हाफ क्लच फुल क्लच, हाफ क्लच फुल क्लच ऐसे ही गाड़ी को चलाएंगे तो वही सही है। अगर प्लेन रोड पे भी आप हाफ क्लच और उसके साथ एक्सीलेटर दबाएंगे तो क्लच प्लेट पे प्रेशर पड़ता है, क्लच प्लेट आपकी जल्दी घिस जाएगी, तो वहाँ पे एक्सीलेटर दबाने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको सिर्फ हाफ क्लच करना है, फुल क्लच करना है और ब्रेक जब आप लगाएंगे तब फुल क्लच और ब्रेक, ऐसे ऐसे करके आपको जानना पड़ेगा। तो गाइज अभी मैं ट्रैफिक पे नहीं हूँ, लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि आप ट्रैफिक में खड़े हैं और आपकी इमीडिएट बिल्कुल सामने गाड़ी है, तो आपको गाड़ी थोड़ा ही आगे लेके जाना है, तो आपको सिंपली ऐसे हाफ क्लच करना है, ठीक है। आपने फर्स्ट गियर में डाल दिया है गाड़ी को और आपको थोड़ा ही आगे जाना है, तो ऐसे सिंपली आप हाफ क्लच करेंगे तो गाड़ी आपकी आगे ऐसे बढ़ जाएगी, और फिर से रोकना है तो आपको फुल क्लच और ब्रेक ऐसे प्रेस करना होगा, ठीक है। जहाँ पे स्लोप नहीं है, प्लेन रोड है, वहाँ पे आप ऐसे हाफ क्लच करेंगे तो गाड़ी धीरे से आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि ज़्यादा स्पीड पे आप नहीं जा सकते, आपके इमीडिएट सामने गाड़ी रहती है, हाफ क्लच करके आप ऐसे आगे लेके जा सकते हैं, और रुकना है तो फुल क्लच और ब्रेक को ऐसे प्रेस करना पड़ेगा। और गाइस जहाँ पे स्लोप है वहाँ पे आपको हाफ क्लच और एक्सीलेटर प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे बिना एक्सीलेटर के सिर्फ हाफ क्लच में आप गाड़ी को नहीं उठा सकते, क्योंकि स्लोप है, चढ़ाई पे आप चढ़ रहे हैं, तो आपको हाफ क्लच के साथ एक्सीलेटर भी देना पड़ेगा, और जब आप रुकेंगे तब फुल क्लच और ब्रेक देना पड़ेगा। और फाइनली गाइस फोर्थ नंबर पॉइंट, जब हम गाड़ी को रोकना चाहते हैं तब हमें क्लच और ब्रेक दोनों प्रेस करना पड़ता है, ठीक है। गाड़ी को बिना बंद किए आप रोकना चाहते हैं तो क्लच और ब्रेक दोनों को प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्लच और ब्रेक इन दोनों का कंट्रोलिंग अगर आप जानना चाहते हैं कि डिफरेंट सिचुएशन में कौन से टाइम पे क्लच पहले ब्रेक बाद में, ब्रेक पहले क्लच बाद में, वो सारी चीज़ों में अगर आपको कन्फ्यूजन है वो जानना चाहते हैं, तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना के रखा है, मैं लिंक आई बटन में दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, आप वो जाके देख सकते हैं, तो आपका कन्फ्यूजन जो है सब दूर हो जाएगा। जैसे कि गाइज मान लीजिए आप 30 की 40 स्पीड पे गाड़ी को चला रहे हैं और सामने कहीं पे आपको गाड़ी को रोकना है, तो उसके लिए आप क्लच और ब्रेक प्रेस करेंगे तो गाड़ी आपके ऐसे रुक जाएगी। तो गाइज ये था आज का वीडियो, जो कि था क्लच कंट्रोल के ऊपर। होप आप लोगों को मिला होगा नॉलेज कि कैसे क्लच कंट्रोल करना है डिफरेंट सिचुएशन में। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।